राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है रेडियो बाल पत्रिका रंगोली। रंगोली में आज सुनते हैं कार्यक्रम आरुणी। गुरु बिन चेला ज्ञान न ले, गुरु बिन चेला ज्ञान न ले, गुरु बिन चेला ज्ञान न ले, गुरु बिन ये जग कौन भरोसा, गुरु बिन ये जग कौन भरोसा, काके संग रहिए, गुरु बिन चेला ज्ञान न ले, गुरु बिन चेला गुरु बिन चेला गुरु बिन चेला ज्ञान न ले। दोस्तों, कहा गया है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। गुरु और शिष्य की एक कहानी है उद्दालक आरुणि की, आइए सुने। भारत के लंबे इतिहास में समय समय पर ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं जिनके चरित्र से हमें किसी ना किसी सद्गुण की शिक्षा मिलती है। हजारों वर्ष बीत जाने पर भी लोग सत्यवादी हरिश्चंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, दानी कर्ण, गुरु भक्त एकलव्य और करुणा मूर्ति गौतम बुद्ध को उनके विशिष्ट गुणों के कारण ही याद करते हैं। ऐसे ही एक महापुरुष के बारे में हमें उपनिषदों से जानकारी मिलती है। उपनिषद यानी वेदों का अंतिम भाग, जिसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद के इस महापुरुष का नाम था उद्दालक आरुणि। गुरु के प्रति भक्ति और ज्ञान के प्रति सच्ची लगन के कारण ही उन्हें आज भी याद किया जाता है। उद्दालक आरुणि जब छोटे थे और विद्या प्राप्ति के लिए गुरु के आश्रम में रहते थे, तब एक दिन गुरुजी, 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 अनर्थ हो गया गुरुजी। क्या हुआ वत्स आरुणि, इतने घबराए हुए क्यों हो? गुरुजी, मैं संध्या पूजा के लिए पुष्प चुनने गया था। हाँ? अभी कुछ ही पुष्प चुने थे कि बड़े वेग से जल बहने का स्वर सुनाई दिया। जल बहने का स्वर? हाँ गुरुजी, उस स्वर से चौंककर मैं इधर उधर देखने लगा, पर वहां तो कहीं जल था ही नहीं। तब फिर क्या हुआ? तब गुरुजी, मैं उसी ओर भागा जिस ओर से जल बहने का स्वर आ रहा था, तो क्या देखता हूँ कि पुष्प वाटिका के आगे जो खेत है ना, जिनमें अभी अभी धान के छोटे छोटे पौधे रोपे गए हैं और जिन्हें सींचने के लिए जल भरा गया है। हाँ हाँ। गुरुदेव, वहाँ वहाँ गुरुदेव। हाँ हाँ, बोलो। वहाँ से जल खेत की मेड़ तोड़कर बहता चला आ रहा था। अरे, यदि धान के खेत से जल बह गया तो सारा धान सूख जाएगा, आश्रम वासियों पर अन्न का संकट आ पड़ेगा। उस जल को तो बहने से रोकना चाहिए। अभी तो मैंने मेड़ का वो छेद मिट्टी पत्थर से किसी तरह बंद कर दिया है गुरुवर, किंतु जल के तीव्र वेग के आगे मेरा बनाया वो बांध अधिक देर नहीं टिक सकेगा। वत्स, जो तुमने किया ठीक किया, किंतु ये भी ठीक है कि पानी के तीव्र वेग के आगे तुम्हारा मिट्टी पत्थर का बांध अधिक देर नहीं रुक सकेगा। अब तुम एक काम करो जी, तुम पुनः वहां जाकर उस जल का बहना रोको, तब तक मैं कुछ और प्रबंध करके आता हूं। गुरु की आज्ञा पाकर आरुणि पुनः धान के खेत पर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनके बनाए हुए पत्थर मिट्टी के बांध को तोड़कर जल फिर बड़े वेग से बहने लगा था। जल के वेग से मेण का टूटा हुआ भाग बड़ा होता जा रहा था। आरुणि सोच में पड़ गए, क्या करें? तभी उन्हें एक उपाय सूझा।
वो खेत की मेड़ के टूटे हुए भाग के सामने करवट लेकर लेट गए। उनके शरीर से मेड़ का टूटा हुआ भाग बंद हो गया और जल उनके शरीर से टकरा टकरा कर खेत में वापस लौटने लगा। परंतु इस तरह लेटे लेटे आरुणी को सर्दी लगने लगी। उनका सारा शरीर सुन्न होने लगा, किंतु गुरु की आज्ञा के सामने उन्हें अपने शरीर की कोई चिंता नहीं थी। वो रात भर उसी तरह लेटे रहे और गुरु जी की प्रतीक्षा करते रहे। उधर गुरु जी किसी आवश्यक कार्य में इस तरह उलझे कि धान के खेत और उसकी रक्षा के लिए गए हुए बालक आरुणी को भूल ही गए। दूसरे दिन सुबह प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान हो वत्स। वत्स, आरुणी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। गुरुदेव, उसे तो कल आपने खेत का जल रोकने के लिए भेजा था। हाँ हाँ, याद आया। तो क्या वो रात भर नहीं लौटा? नहीं आचार्य। हे भगवान, ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। मैं तो खेत से जल बहने की बात भूल ही गया था। मैंने सोचा जल रोकने की कुछ व्यवस्था करके आरुणी स्वयं लौट आएगा, पर ये क्या हुआ? लगता है आरुणी रात भर वहीं रुका रहा। चलो वत्स, चलो शीघ्र उस ओर चलो, ना जाने आरुणी किस अवस्था में हो। गुरुजी, हम भी चले। हाँ हाँ वत्स, तुम सभी मिलकर चलो। चलो सब उसे मिलकर ढूंढें। लगता है यही वो स्थान है जहां से जल बहा होगा। यही कहीं से मेड़ टूटी होगी, किंतु ये मेड़ तो पूरी दिखाई दे रही है। गुरुजी, गुरुजी, ये देखिए, ये तो आरुणी है। आरुणी, आरुणी, आरुणी। तो क्या ये रात भर इसी तरह यहाँ लेटा रहा? वत्स, वत्स, आरुणी, आरुणी, आंखें खोलो आरुणी, आरुणी, आंखें खोलो वत्स। आरुणी की ये अवस्था देखकर गुरुजी को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने शीघ्र ही आरुणी को उठाया और गले से लगा लिया। ये तुमने क्या किया आरुणी? रात भर इस शीत में इस प्रकार जलमग्न लेटे रहे खेत के धान को बचाने के लिए। तो क्या हुआ गुरुदेव, जल तो नहीं बहा? धान बच गया, फिर मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था। धन्य हो वत्स, तुम्हारी गुरु भक्ति और कर्तव्य परायणता की जितनी प्रशंसा की जाए कम है वत्स। तुमने अपने प्राणों की चिंता न कर आश्रम वासियों के धान की रक्षा की, इसलिए केवल मैं ही नहीं, आज सारा आश्रम तुम्हारा ऋणी हो गया है। अपने उद्दालक आरुणी की कहानी सुनी। क्या आज के युग में आरुणी जैसे छात्र मिल सकते हैं? अवश्य, आप में से कोई ना कोई आरुणी बन सकता है। कोई ना कोई क्यों, बल्कि हर कोई बन सके ऐसा होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है, हमें इसी सोच की शुरुआत करनी है। रंगोली। अभी आप सुन रहे थे ये रेडियो बाल पत्रिका। कार्यक्रम संचालन एवं निर्माण परामर्श प्रभुदयाल खट्टर, निर्माण कर्मी अजीत होरो, वंदना आरिमर्दन, दाऊदयाल चतुर्वेदी, निवेदन आरती बख्शी, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े एवं दीपक पांडे, निर्माण सहयोग विमल छिब्बर तथा प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के
केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है रेडियो बाल पत्रिका रंगोली। रंगोली में आज सुनते हैं कार्यक्रम सुरक्षा की पहचान पुलिस। किरण और अरुण भाई बहन हैं। किरण की उम्र 10 साल है और अरुण 12 साल का है। दोनों बड़ी उत्सुकता से अपने चाचा जी के आने का इंतजार कर रहे थे। किरण और अरुण के चाचा जी विनय कुमार पुलिस इंस्पेक्टर हैं, इसीलिए दोनों बच्चे उन्हें पुलिस चाचा कहकर पुकारते हैं। जैसे ही पुलिस चाचा घर में आते हैं तो शुरू हो जाती है उनकी बातें। आओ हम भी जानें क्या-क्या बातें कर रहे हैं दोनों बच्चे अपने पुलिस चाचा से। अच्छा बेटे ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? हमारी पढ़ाई? हां अच्छी चल रही है। हां बहुत अच्छी चल रही है। शाबाश शाबाश भाई, पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो, पुलिस अधिकारी बनो। अरे वाह, घूमने के लिए गाड़ी, हां पहनने के लिए शानदार वर्दी, हां कंधों पर चमकते सितारे और ये पिस्तौल, कितनी रौबदार है पुलिस की नौकरी। वो तो है, पिस्तौल से सबको डरा सकते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, हमें कभी-कभी असामाजिक तत्वों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। अच्छा? हां इसीलिए ये पिस्तौल हमें अपनी और लोगों की सुरक्षा के लिए मिलती है। अच्छा, ये सितारे जो मेरी कमीज में लगे दिख रहे हैं ना, हां ये मुझे बहादुरी के लिए सरकार की ओर से पुरस्कार के रूप में मिले हैं। अरे वाह। हां अरे भाई, अब रही बात गाड़ी और वर्दी की, ये वर्दी हमें कानून की रक्षा के लिए मिली है। अच्छा, ये हमें अलग पहचान देती है। वो कैसे? देखो ये वर्दी सत्य, सेवा और सुरक्षा की पहचान है। अच्छा, जब तुम रात को चैन की नींद सोते हो ना, यही वर्दी पहनकर पुलिस के जवान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए रात-रात भर जागते हैं और अपना कर्तव्य निभाते हैं। हेलो हेलो, ड्यूटी ऑफिसर नीना शर्मा ने पुलिस कंट्रोल रूम से इत्तला दी है। चाचा जी, हां मुझे तो चौराहों पर यातायात नियंत्रण करने वाली ट्रैफिक पुलिस ज्यादा पसंद है। अरे भाई, मेरी बिटिया रानी को यातायात पुलिस ही क्यों पसंद है भला, बताओ। चाचा जी, एक तो वो जिस तरह से हाथ के इशारे से यातायात को रोकते हैं, हां यातायात चलाते हैं, अच्छा वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वो स्कूटर DNA 5529 बहुत तेज चल रहा है, गलत चल रहा है, इसको बाईं तरफ रोकें। रोकिए। उनके पास बजाने के लिए सीटी भी होती है। अरे बेटा, यातायात पुलिस केवल यातायात का नियंत्रण ही नहीं करती, तो वो बड़े-बड़े प्रदर्शन, रैली या VIP यानी किसी विशिष्ट व्यक्ति के रास्तों पर यातायात के नियंत्रण की योजना भी बनाती है। चाचा जी, बोलो बेटा। ट्रैफिक पुलिस लोगों से चालान करके पैसे भी तो लेती है। अरे बेटा, वो तो यातायात के नियमों को तोड़ने वालों को दंडित किया जाता है। अच्छा? हां, और उनसे जुर्माने की राशि ही नहीं ली जाती, कभी-कभी तो दोषियों को जेल भी भेजा जाता है। जेल? हां। चाचा जी, हां क्या आपने किसी चोर को जेल भिजवाया है? अरे कई बार। हां मैंने तो हाल ही में एक डाकू को जेल भिजवाया है।
बताओ ना चाचा जी कैसे पकड़ा आपने डाकुओं को? बताओ। अच्छा बताता हूँ। सुनो, रात के कोई 2 बजे होंगे। सभी भाई बहन ध्यान से सुने, हमें सूचना मिली है कि डाकू लाखन सिंह पुलिस से छुपता हुआ इसी ओर आया है, इसलिए पुलिस ने ये इलाका चारों ओर से घेर लिया है। आप सभी लोग घर के अंदर ही रहें और दरवाजे खिड़की अंदर से बंद करके रखें। किसी भी अजनबी के लिए दरवाजा ना खोलें। ध्यान रहे, किसी भी अजनबी के लिए दरवाजा ना खोलें। कृपया सहयोग दें। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति आसपास दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। धन्यवाद। सभी भाई बहन फिर क्या हुआ पुलिस चाचा, बताओ ना। फिर लोगों के सहयोग से डाकू का पता चल गया। अच्छा, मेरे और उस डाकू के बीच काफी गोलियां चली। आखिर मैंने उस डाकू को पकड़ ही लिया। अच्छा, इसीलिए तो कहते हैं पुलिस सुरक्षा की पहचान है। क्या है पुलिस? सुरक्षा की पहचान। हाँ, पुलिस हमारी सदा बढ़ाए दोस्ती का हाथ। यातायात के नियम बनाए दोषी को दंडित करवाए। ट्रैफिक पुलिस दे सड़क सुरक्षा। ट्रैफिक पुलिस दे सड़क सुरक्षा हमको अनुशासन सिखलाए। बढ़ाए दोस्ती का हाथ सबके साथ, सबके साथ, सबके साथ। पुलिस हमारी सदा बढ़ाए दोस्ती का हाथ सबके साथ, सबके साथ, सबके साथ। रात रात भर जाग जाग कर पुलिस पहरा देती जाए। रात रात भर जाग जाग कर पुलिस पहरा देती जाए। पुलिस पहरा देती जाए, पुलिस पहरा देती जाए। कानून के लंबे हाथों से, कानून के लंबे हाथों से अपराधी बच कर ना जाए। अपराधी बच कर ना जाए, अपराधी बच कर ना जाए। कर्तव्य साहस विश्वास, कर्तव्य साहस विश्वास, ये तीनों है पुलिस के साथ। पुलिस हमारी सदा बढ़ाए दोस्ती का हाथ सबके साथ, सबके साथ, सबके साथ। सुरक्षा की पहचान पुलिस।
अभी आप सुन रहे थे रंगोली के अंतर्गत यह कार्यक्रम। परियोजना समन्वय एवं निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर, विषय संयोजन प्रोफेसर सुरेश पांडे, विषय मार्गदर्शन प्रोफेसर सत्यप्रकाश बान्याल, विषय परामर्श डॉ. जितेंद्र सिंह, डॉ. अनूप राजपूत तथा डॉ. अमरेंद्र बेहरा, आलेख विवेक गौतम, कलाकार राजश्री त्रिवेदी, मंगतराम, समीर ठुकराल, प्रिया, गीत सरना तथा मेघा, संगीत एवं गायन संतोष कुमार, ध्वनि अंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, ध्वनि सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, आलेख संपादन निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन, वंदना अरिमर्दन, वंदना अरिमर्दन।